केंद्र सरकार द्वारा चलाए गए पोषण अभियान को पात्र लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से सोलन में पोषण अभियान के अंतर्गत जिला स्तरीय बैठक उपायुक्त विनोद कुमार की अध्यक्षता में हुई। बैठक में सभी विभागों के विभागाध्यक्षों और आशा कर्मियों सहित विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और पोषण अभियान को सार्थक करने पर चर्चा की। पोषण अभियान से कोई भी पात्र व्यक्ति अछूता ना रहे, इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए सोलन उपायुक्त विनोद कुमार ने प्रत्येक विभाग के सभी अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि इस अभियान को किसी एक विभाग का कार्यक्रम ना समझे, बल्कि ये पूरे समाज का कार्यक्रम है। उन्होंने सभी विभाग को इस अभियान के तहत कार्य कर लोगों को जागरूक करने का आह्वान किया। उपायुक्त विनोद कुमार ने कहा कि माताओं के साथ साथ पूरे परिवार को जागरूक करने की आवश्यकता है ताकि देश में कुपोषण का खात्मा किया जा सके। इसके पीछे मेन मकसद ये है कि हमारे जैसे बच्चे बच्चियां जितने भी छोटे हैं या अडल्टहुड में भी आ जाते हैं तो वो अनियमित रहते हैं, कुपोषण का शिकार रहते हैं, उनको भरपूर जो न्यूट्रिशन है वो नहीं मिल पाती। जैसे आंगनबाड़ी के माध्यम से दूसरे पहले भी पोषण आहार का मिड डे मील भी चल रहा, दूसरा भी चल रहा, तो उसमें आहार तो दे रहे हैं पर उसमें न्यूट्रिशन जोड़ा गया, जैसे प्रोटीन है, आयरन है, फॉलिक एसिड है, तो उसको अब उसका पोषण का नाम दिया गया है। राष्ट्रीय पोषण अभियान के रूप में जन आंदोलन के रूप में इसको इस मिशन को लिया गया, मिशन मोड में लिया गया, जन आंदोलन के क्षेत्र में इसको। तो ये पूरे का पूरा हमारा 1000 डेज का है, 3 साल तक चलेगा। इसकी माननीय प्रधानमंत्री ने शुरुआत करी थी झुंझुनू मार्च महीने में राजस्थान से, और कल माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी कल शिमला से इसका शुभारंभ किया है। तो जो हमारा सितंबर महीना है ये पूरा का पूरा ये पोषण माह के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है थ्रू द कंट्री ये सारा। तो उसके लिए हमने पूरे दिन के लिए एक्टिविटीज इसमें चौकट कर रखी हैं, जिसमें प्रेस ब्रीफिंग है, स्कूलों के बीच में बच्चों के बीच में संदेश देना है, पंचायतों के माध्यम से, यूथ क्लब के माध्यम से, तो सारे सेक्शन सोसाइटी को इसमें जोड़ा गया है ताकि कोई भी हमारा बच्चा या बच्ची कुपोषण का शिकार न रहे। इस दौरान कार्यक्रम अधिकारी वंदना चौहान ने भी इस अभियान पर विस्तृत जानकारी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, सोलन।